क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। आपको कितने साल जेल में रहना पड़ा? तकरीबन 9 साल। कब गिरफ्तारी हुई थी? 2013 में मुझे गिरफ्तार किया गया। कितनी उम्र थी आपकी उस वक्त? मैं बिल्कुल यंग था, मैं तकरीबन 26 साल की मेरी उम्र थी। परिवार में कौन कौन है? परिवार में पूरी फैमिली है, मेरे जो है दो बूढ़े माँ बाप है। ये लोग हमारे घर पे पहुंचे और वहाँ पर जो है मैं नहीं था, तो घर पे कहने लगे कि हमें उनकी तलाश है और उन पे जो है किसी जो है लड़की का या कोई जो लड़की के बारे में पूछताछ करनी है। तो इस तरह घर पे गए थे, तो उस वक्त मैं घर पे नहीं था। तो अगले दिन मुझे पता चला, तो जो है मैं पुलिस के डर की वजह से इधर उधर था। तो फिर 2-4 या 5 दिन के बाद में मैं सरेंडर हुआ। तो मुझे नहीं पता था कि मुझे किस केस में लेके जा रहे हैं, लेकिन हमें ये पता चला किसी लड़की के बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन इन्होंने करनी, पूछताछ करनी है। तो ये मुझे लेके चले गए, तो दिल्ली लेके आए। तो वहाँ पर ऐसा टॉर्चर किया कि मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। बहुत टॉर्चर किया, पूरी रात मुझे मारते रहे हर तरह से। मुझसे ये भी नहीं पूछा कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया, बस मारते रहे पूरी रात। सर इसी तरह होता रहा। फिर अगले दिन जो है मुझे ये कोर्ट में लेके गए, मुझसे कहा कि अगर तुमने जज साहब के सामने कुछ बोला तो हमारे पास ही तुम रहोगे 1 महीने, हम इसी तरह पीटते रहेंगे। तो सर फिर अगले दिन फिर लेके आए मुझे इन्होंने। रात में तो हर रात मुझे मारते ही थे, दिन में थोड़ा सा मुझे जो है रिलीफ मिलता था। रात में कभी मुझे जो है अलग अलग से इन्वेस्टिगेशन के लिए आते थे, उनके हवाले कर दिया करते थे। बस उनसे ये कहते थे कि भाई जो है इनको जख्म मत होने देना, जो चाहे करते रहो। तो वो जो लम्हात हैं, वो जो दिन हैं, जो डेज हैं, वो मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। तो यहाँ तक कि मेरी शक्ल सूरत भी जो है इन्होंने ख़राब कर दी थी, दाढ़ी वगैरह भी सभी पड़ गई थी। और ऐसा टॉर्चर किया था कि मेरे ये जो है ना ये पैर जो मेरे बड़े भारी भारी हो गए थे, 3-4 महीने में जाके जो है ये इनकी सूजन उतरी थी और मैं चल पाया था सही से। तो इन्होंने जो है जब मुझे इसी पे रखा, अपनी कस्टडी में रखा, तो इन्होंने मुझसे कोई बयान नहीं लिया, बस कहते कि आप जो है साइन करते रहें। और मुझे वहीं पे एक वकील भी अवेलेबल करा दिया। एमएस खान कहने लगे ये तुम्हारे वकील हैं, वो जो है जमीयत की तरफ से रहते हैं और ये अच्छे वकील हैं, ये तुम्हें जो है बहुत जल्दी छुड़वा देंगे। तो मैं उससे कहने लगे मुझे पकड़ क्यों रहे हो, मुझे मैंने क्या किया है? नुकरे आपने कुछ नहीं किया है, हमारे ऊपर प्रेशर है और आप 2-4 महीने में चले जाओगे। तो इस तरह की मैं बार बार ये पूछता कि मैंने क्या किया है। नुकरे कुछ नहीं, कुछ थोड़ा प्रेशर है ऊपर से, आप 2-4 महीने में चले जाओगे। एक अफसर ने दिया कहा कि तुम ये समझो कि 4 महीने की जमात में चले जा रहे हो, इस तरह की बातें करके तो खामोश कर दिया करते थे। तो MS खान साहब जो है हमें लगा कि हमारे हमदर्द हैं, तो हम तो कभी वास्ता पड़े नहीं था पुलिस से या जुडिशली से, तो जैसे वो कहते थे हम ऐसे करते रहते थे। तो एक टाइम आया था, तो मैं जो है पुलिस वाले कहने लगे हम आपकी वॉइस चाहिए। तो मैंने MS खान से पूछा कि वो वॉइस के लिए बोल रहे हैं, मैं भी दे देता हूँ। कहा कि नहीं देनी है। मैं सर मैंने कुछ किया नहीं है, मैं दे देता हूँ, उन्होंने देनी नहीं है। तो इस तरह मैंने वॉइस नहीं दे पाया अपनी सर। तो मैं देने को भी था वहाँ पर, जो ये जेल में आए थे, तो इन्होंने मुझसे जो वॉइस न लेकर मुझे वहाँ पर एक रूम में ले गए, सेपरेट रूम में, और एक सिपाही साथ में था। तो वहाँ भी इन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया, मुझे जाते ही पहले सबसे पहले जो है ना हट करना शुरू कर दिया, बहुत मारा। और मुझसे ये नहीं कहा कि तुम जो है वॉइस दे दो। मैंने कहा कि आप जिस चीज काम के लिए आए वो कर लो। नहीं नहीं वो हो गया। तो उन्होंने मुझसे एक जो है एक पर्चे पर कुछ लिखवाया कि मैं जो है वो मैंने लिख दिया। उस वक्त बहुत टॉर्चर था। तो ऐसा टॉर्चर करते हैं कि उस वक्त आदमी ये सोचता है कि शायद मुझे मौत आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसा टॉर्चर करते हैं। तो सर ये इसी तरह प्रोसीजर चलता रहा। मुझे अभी भी इतना इलम नहीं था कि मैं कौन से केस में हूँ। जब मैं जेल में आ गया था तब मुझे लोगों ने पूछा कौन से केस में हो, मुझे पता नहीं। फिर मैं FIR नंबर ली, वहाँ पर एक लीगल एड होती है, लीगल एड में से मैं जो है लेके आया लिखे, तो मैंने लोगों को दिखाया। तो उन्होंने जब मुझे बताया तो ये तो तुम तो आतंकवादी हो। तो जब जेल के अंदर मैं फिर वहाँ के जो वहाँ के इनमेट्स थे, फिर उन्होंने जो है वो आतंकवाद की वजह से फिर हमको जो है बहुत परेशान किया। पहली रात वहाँ के जो वार्डनर थे उन्होंने हमें बहुत मारा, वहाँ के जो मुंशी वगैरह होते थे सर उनके साथ में बहुत झगड़ा हुआ। तो 1-2 दिन वहाँ पर बहुत हर तरीके से मेंटेलिटी भी और सिर्फ फिजिकली भी हर तरह से वहाँ पर टॉर्चर हुआ सर। कुछ दिन के बाद में थोड़ा रिलीफ मिला सर, तब हमें पता चला कि हम ऐसे मुश्किल केस में हैं। तो कुछ दिन जब हमें पता चला कि MS खान हमारे लिए ना काम कर जो है वो पुलिस के लिए काम कर रहे हैं सर, ये हमें बिल्कुल पुख्ता यकीन होगा कि हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं।
तो फिर हमें किसी ने सलाह दी, तो हमने सर को जो है नहुं पराजय साहब को जो है साहब के पास गए। साहब ने कहा कि आपने कुछ किया। मैंने सर हमने कुछ पता ही नहीं है, ना हम इन लोगों को जानते हैं जिनसे इन्होंने जोड़ रखा है, ना हम इन केसों को जानते हैं, ना इन जो है धाराओं को जानते हैं। तो सर ने कहा कि ठीक है, अगर आप जो है बेगुनाह है, इनोसेंट है, मैं आपका केस लड़ूंगा। तो सर हमारे पास इतनी अमाउंट भी नहीं है चूँकि हम जो है सर की जो है फीस दे सकें। तो सर ने बगैर लॉस के, एक पैसे लिए बगैर इतने सालों में केस लड़ा है। और मैं कह सकता हूं अगर सर ये केस ना लड़ते तो हम बिगर किए हुए और इनोसेंट होते हुए भी जो है मुलजिम ठहरा दिए जाते और हम सलाखों में, अभी मैं सलाखों में होता, अभी भी मैं छोटा हूँ, अभी मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं क्योंकि बहुत कुछ बड़ा हो गया। मेरे गांव में कच्चे घर थे, वो बहुत बड़े बड़े घर बन गए। मेरे साथ के जो साथी थे, मेरे साथ रहते थे, वो बड़े बड़े कोई डॉक्टर्स बन गया, कोई कहाँ क्या बन गया। तो उनको देख कर मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीरो पे नहीं हूँ बल्कि मैं माइनस में चला गया हूँ। जब आप लौट कर आए हैं तो आपने कितने साल जेल में रहे, जब लौट कर आए तो आपकी जिंदगी से क्या कुछ खत्म हो चुका था? आप सर, जब मैं लौट के आया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। मेरे जो वो माँ बाप थे उनके जो है सफेद दाढ़ियाँ नहीं थी, वो काली दाढ़ी थी और अच्छे सेहतमंद थे, वो बिल्कुल सोखे से हो गए। मेरी माँ बिल्कुल बीमार हो गई, मेरी दादा दादी दुनिया से चले गए, मेरी बहनें भी दुनिया से चले गए। तकरीबन एक दर्जन से ज़्यादा मेरी फैमिली के लोग जो है दुनिया में नहीं है। जिसको मैं, जब मैंने ये सुना तो मैं, मेरी पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। और इसी के सिलसिले में मैंने अब्बा जी से पूछा कि आजकल आप क्या कर रहे हैं? कि बेटा मेरा एक जो है छोटा एक बिजनेस था, वो भी सब खत्म हो चुका, तेरी वजह से मेरे पास कोई कुछ लेने में नहीं आता, मेरा सारा कारोबार सब खत्म हो चुका है और हम बहुत बेइज्जती महसूस कर रहे हैं, हमारे हम घर से निकलते हैं तो हमें बहुत जो है हर्ट होता है। तो ये इस तरह की ऐसी बातें हैं कि जिस मैंने जो सुनी तो मैंने लगा कि ये क्या हो गया है, और ये बहुत बड़ा जुल्म है सर हमारे साथ में ऐसा हुआ है। और अब जिन लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया है, हमारा सब कुछ छीनने की कोशिश की और छीन गया, बहुत कुछ तो छीन गया है, उनके साथ अगर कुछ ना हो तो सर अब ये पूरा न्याय नहीं है, पूरा इंसाफ नहीं है सर।